हेलो दोस्तों, हिंदी मेरे पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो कंटेंट हम लेकर आए हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का जो सेकंड पेपर है उससे संबंधित है, और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मालूम ही है कि उनके जो सेकंड पेपर है उसमें एक नाटक है, एक उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये सब आपके जो है रेखा चित्र भी दिए गए हैं, तो इन सब में से ही आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर भी आप तभी अटैम्प्ट कर पाते हैं जब आपने वो पार्ट पढ़े हो, उनको पढ़ा हो अच्छे से। अब जैसे आपका इला चंद्र जोशी का जो है जहाज का पंछी है, उसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो नाटक है आपके सिलेबस में, गोविंद चातक के द्वारा लिखा गया। जहाज का पंछी तो इला चंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है, वह है आपका उपन्यास है। लेकिन जो आपका नाटक है बांसुरी बजती रहे, ठीक है, तो बांसुरी बजती रहे गोविंद चातक ने नाटक लिखा है, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, तो गोविंद चातक के द्वारा जो ये नाटक लिखा गया बांसुरी बजती रहे, नाटक हो या फिर कहानी हो, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है चरित्र चित्रण का, ठीक है। तो इसके चरित्र चित्रण अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं लेकर आऊँगी। बाकी इला चंद्र जोशी का जो जहाज का पंछी है उसके उसमें भी आपको चरित्र चित्रण ही करने हैं। बाकी फिर बचता है सारांश, ठीक है। सारांश आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसको पूरा पढ़ा हो। तो मैं आपके लिए जो आपका ये जहाज का पंछी बाद में लेकर आऊँगी, पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बांसुरी बजती रहे। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल करती जाऊँगी और आप इसको पढ़ते जाना, और साथ में क्या है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगी, जो इसके मुख्य पात्र हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। शुरुआत में आपको बता दूँगी, मिड में आपको बता दूँगी, लास्ट में आपको बता दूँगी, लेकिन पढ़ना आपको ही सारा है। ये 39 पेज की PDF है, धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, नहीं तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर यहीं से आप धीरे धीरे इसको पढ़ते रहना। तो शुरुआत होती है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह है पनघट की प्यास, ठीक है। पनघट की प्यास से इसका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है, और देव यात्रा के अवसर पर देवताओं की जो यात्रा निकलती है विश्व यात्रा के बारे में है, और इसमें पहाड़ी या पहाड़ी जो जीवन होता है वहाँ के बारे में है। तो नृत्य के समाप्त होते ही क्रियाकलाप का प्रारंभ होता है, जिसमें क्या होता है ढोल धमामा वादक आपसी दास एक और नृत्य के लिए वाद्य बजाते हैं, और जनसमूह जो है नाचना शुरू कर दिया, दूसरों बीच में कथा भी कहते जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है नृत्य होते हैं, ढोल बजता है जब यात्राएँ निकलती हैं, साथ में कथा भी चलती रहती है। इसको पढ़िए अच्छे से। यहाँ पर ढोली क्या कह रहे हैं, मंगलाचार मंगलाचार और कार्तिक खाना जसदेव गाना शुरू करते हैं। उसके बाद दर्शकों के बारे में दिया गया है, यहाँ पर दर्शकों के बारे में है। तो अब यहाँ पर जो आपका मुख्य पात्र इसमें जो है वो बता देते हैं, श्रेणी इसमें मुख्य पात्र है और बीजानंद इसमें मुख्य पात्र है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी या पूरा नाटक लिखा गया, श्रेणी और बीजानंद के। ये यहाँ यात्रा में मिलते हैं और दोनों में आपस में प्यार होता है। उसके बाद इनकी जो है जो जिसको ये बीजानंद का जो पालते हैं, जिनके यहाँ ये सीखता है जाकर, तो वो इनकी इसके खिलाफ़ हो जाते हैं। बहुत अच्छी अगर इसकी आप स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी दी गई है। दूसरा है इसमें प्रवेश, गांव की पृष्ठभूमि दिखाई है। वेदा भाट, ये जो श्रेणी हैं वेदा भाट इसके पिताजी हैं, जो कि एक झोपड़ी में रहते हैं, और नेपथ्य से भेड़ बकरियों के मिमियाने की ध्वनि, पशुओं के गले की बस्ती, घंटियां भैंसों आदि की आवाज़। तो ये जो वेदा भाट है, जो मैंने अभी बताया था बीजानंद बहुत मुख्य पात्र है और जो है श्रेणी है, तो श्रेणी इनकी पुत्री है और जो है बीजानंद इनके यहाँ आकर सीखता है, और उसके बदले ये गुरु दक्षिणा में इनके घर के सारे काम करता है। लेकिन जो श्रेणी है और बीजानंद दोनों शादी करना चाहते हैं और वेदा भाट इनके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इनको बहुत शौक होता है तो ये बाद में कुछ शर्त रखते हैं बीजानंद के सामने। अब यहाँ थोड़ा आप डायलॉग सुनोगे, डायलॉग देखोगे तो शॉर्ट में आपको स्टोरी बताई रही हूँ कि ये इसकी स्टोरी है। जैसे श्रेणी तुम बापा यह तो कह दे या वेदा भाट का घर है कोई, श्रेणी बापा कह रहे हैं वेदा भाट का घर है, घर है तो किसी का होगा ही, क्या कहवे हेरी सवाल जवाब करता है। अभी यहाँ पर जो है बीजानंद काम मांगने के लिए आया है, ठीक है, इस वाले पार्ट में यहाँ पर वो काम मांगने आता है, बात करते हैं, फिर वो उसको पहले तो मना करते हैं लेकिन वो उसको रख लेते हैं बाद में, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे।
अब जैसे यहाँ पर बीच बीच में डायलॉग भी देख लेते हैं। पेधा क्यूरे भी जो कन्नड़ खेती उत्तम बजन निकट जो जोग तो यह कर लेगा बीजानंद, मैं खेती भी कर लूँगा, जानवर भी मुझे अच्छे लगते हैं, उनसे मेरी पट्टी भी खूब है, सचुड़ जंगल की भीड़ों में भटकना ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन पापा इससे पूछो तो सही, क्या यह झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या यह माई के उस पार तो नहीं आया? तो ये सब आपस में बातें चल रही हैं जब वो श्रेणी के यहाँ आता है बीजानंद वेदा भाट के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर 39 का पेज है। अब तीसरा है पहचान। ठीक है, पहचान पहचान इधर इधर ढोली वगैरह का भी पार्ट अलग से चल रहा है। ठीक है, यूं ही दिन बीत मास बीत गए हैं, पतझड़ की ऋतु खत्म हो गई, बसंती बिहार चलने लगी, लोगों के चीज चंचल होने लगे, एक तरफ श्रेणी और दूसरी तरफ बीजानंद का। ठीक है, वो उसके यहाँ रहने लगा है, रसिक जनों गुरु की भक्ति और मंत्र की भक्ति से कहता है कि आगे की कथा देखो, खोल कर आँखें पतन की आँखें। तो इन दोनों की कहानी बताई जा रही है। श्रेणी अपने आप से जानती हूँ तू है, आता है तू, कभी आदमी नहीं सिर्फ स्वर बन जाता है तू, तेरे स्वर से ही पहचान लेती हूँ कि तू है, देखता होगा मुझे पार से जैसे सुबह का सूरज देखता है। तो यहाँ पर इनके सबके डायलॉग हैं, फिर बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से इसकी आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिससे आप आराम से इसको पढ़ पाएंगे। यहाँ पर सब वो जो मैंने आपको बताया था कि उन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर अब आता है जोग माया। कथा के प्रेमी हो स्वीकार, दूसरा जोहार जोहार लगाऊं गुरु गोरखनाथ साईं जिसके नाम को धुनी रमाई। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहे हैं इन दोनों के बारे में। अब यहाँ पर देख लीजिए जोगन वेद, एक इसमें पार्ट है, एक इसमें पात्र है जोगन, जोगन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जोगन भी इसका पात्र है। वेदा वो वेदा नहीं सुनता, मत सुन पर देख तो ले, देखा तूने आकाश पर फूल जैसा, श्रेणी क्या है आजी जोगन, अरे तू श्रेणी कैसा वक्त है, तू क्या कर रहे, घर में बैठी बैठी चरखा कात रही थी, आजी आजी बोलती है वो इसको। ठीक है, कहा तेरा बाप तुझे ही चरखा समझता है, रतन भाई का चरखा, रतन भाई का चरखा, कथा नहीं सुनी तूने, लेकिन वेदा लोक करेगा तो बेटी को भी खो देगा। तो यहाँ पर जो वेदा भाट है वो मैंने भी बताया था कि बीजानंद के सामने शर्त रखता है कि मैं तुम्हारी शादी तभी कर पाऊँगा श्रेणी से जब तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे। तो उस ख्वाहिश पूरा करने के लिए वह उसको बोलकर जाता है श्रेणी को कि तुम मेरा इंतज़ार करना, लेकिन वह लास्ट टाइम तक उसका इंतज़ार करती है, फिर उसको लगता है कि शायद वो नहीं आ पाएगा तो वह अपने प्राण त्याग देती है। तो ये पूरी इसकी कहानी है। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका सारांश भी मैं लेकर आऊँगी, अभी फ़िलहाल आप इसको देख लीजिए पूरा। ये आपका कितने पेज हो चुके हैं, 39, ये लास्ट पेज चल रहा है आपका। फिर है चांदनी रातों का दहकता दर्द, यहाँ पर क्या होता है देख लीजिए। श्रेणी का प्रवेश होता है, आ गई तो हाँ पापा, कहाँ गई थी गाय खोजने, रुककर तुम क्या देख रहे थे पापा, कुछ नहीं रही चांद, चांद क्या पापा, अच्छा लगता है ना मुझे तो वह तारा अच्छा लगता है, छोटा चमकता हुआ औरों से ज़्यादा चमक वाला। वेदा चांद देख, परसों तक कितना छोटा था वह चांद, और आज आज क्या पापा, आज इतना बड़ा हो गया, एक दिन पूरा हो जाएगा और फिर जंगल के उस पार चला जाएगा दूर कहीं, यह कोई आज की बात तो नहीं पापा, तुम कभी उसको याद आती है पापा, तो वह चला गया है वो पूछती है, कभी ऐसी चांद जा तो मेरा मन, पापा तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा, मुझे कभी न जाने ऐसा क्यों लगता है। वेदा अपना उत्तर पूरा ठीक करने लग जाता है, श्रेणी भाव में डूब जाती है। यहाँ पर वो चला जा चुका है बीजानंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं बीजानंद का प्रवेश, वेदा को देखते ही बांसुरी बजाना बंद कर देता है। बहुत बड़ा उपन्यास है, 39 पेज हो चुके हैं, और भी पेज इसमें हैं अभी आपके। चलिए देखते हैं आगे के पेज आपके, थोड़ा स्क्रॉल में दिक्कत आ रही है इसके। अब देखिए यहाँ जो वेदा है
बोलता है, वो बोलती है कि उसके अंदर काफ़ी गुण हैं, मैंने तो गुण देखे हैं। तो कहता है गुणों को क्या चाटना है, धन चाहिए, वह मेरे लिए धन लेकर आएगा तभी मैं उससे तुम्हारी शादी करूँगा। देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने बोला है, यहाँ पर इनकी आपस में बहस हो रही है। यहाँ पर जोगन भी आती है, वो वेदा से बात भी करती है जोगन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्क्रॉल करते हुए। ये देखिए क्या मांगता है उससे। वेदा कहता है उसे, बैसाखी के दिन मुझे 109 चंद्री भैंसे लाकर देनी होंगी, 109 चंद्री भैंसे लाकर देनी होंगी तभी मैं उससे तुम्हारी शादी करूँगा। जोगन कहते हैं लेकिन वेदा यह तो राम को भी जनक जी ने धनुष उठाने को कहा था, लेकिन जनक ने भैंसे तो नहीं मांगी थी। वेदा लोग क्यों मांगते नहीं रहे हैं, वशवंत ने गालव ऋषि से 100 अश्वमेध के घोड़े मांग लिए थे। जोगन वह गुरु दक्षिणा की बात थी, भाट बेटी का मोल नहीं मांगा जाता। शेनी उधर आ पास आते जोगन को प्रश्न भरी दृष्टि से देखती, इसरे क्या देख रही हो रही, गर्दन उठा और बाप से कह तू बीजू को चाहती है, क्या कहूँ आजी, बाप गुस्सा करते हैं। कह फिर यहाँ पर कह तो रही हूँ बापा लोभ ना करो, लेकिन बीजानंद इस शर्त को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर उसकी विदा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ढोली जो है ये गा गा कर सारी कहानी बता रहे हैं। विदा के बाद देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है। फिर यहाँ पर विदा सबके इनके डायलॉग हैं, संवाद हैं आपस में, जो बातें ये करते हैं। फिर आपका अभी विदा वाला ही चल रहा है इसमें। अब यहाँ पर वो उसका आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ना आए तो सोचूंगी कि क्या करूँ, फिर भी ब्याह नहीं करूँगी, वो उसकी दूसरी शादी, वो काफ़ी टाइम होता है उसको जाए हुए। तो वेदा बोलता है कि अब तुम शादी कर लो, वह लौट कर नहीं आएगा, उसके बस की नहीं लानी है पैसे। लेकिन वह कहती है कि मना कर देती है। तो फिर सारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, हाँ पेड़ की तरह फूल की तरह। आखिर तू चाहती क्या, रहने दो पापा, कुछ लोग बहुत चाहते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं, मैं सिर्फ़ तेरी खुशी चाहता हूँ बेटी। तो बोलती है रहने दो, तुमने अपने जमाई का मोल चाहा पापा, तुमने भैंसे मांगी उस निर्धन से, नवचंद्री भैंस, यह सोच कर कि वह कभी नहीं ला पाएगा, लेकिन तुमने नहीं सोचा कि कोई भी भैंस तुम्हारी बेटी के मोल नहीं हो सकती। न लाए तो खुश होना, ले आए तो अपना घोट भरना, लेकिन मैं बिकूंगी नहीं। बिकूंगी नहीं मतलब वह शादी करने के लिए, फिर उससे भी वो लास्ट में बीजानंद से भी शादी नहीं करती है। उसका मतलब ये होता है कि जो बीजानंद था उसने उसका मोल चुकाया, तो वह शादी नहीं करेगी। ठीक है, अब लास्ट में उड़ान और वापसी, यहाँ ये जो इसका अंत जो होता है, मतलब इसका जो लास्ट होता है नाटक का, बहुत ही मार्मिक है और आपको भी पढ़ना है, वो बहुत ही मार्मिक दिखाया है उसमें। चलिए लास्ट में ही हम चलते हैं कि लास्ट में क्या होता है। इसके पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है कि इस कहानी में, इस नाटक में ये होता है। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, आप चेक कर सकते हो। बांसुरी बजती रहे, हिमालय का भव्य दर्शन। यहाँ पर श्रेणी आती है, जब आप इसे खुद से पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए अब इसमें मैं आपको डाल देती हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इसकी आप PDF ले लें और इसको आराम से पढ़ लें बैठकर। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।